अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं आज एक काम पे। आज 10 अप्रैल है, गुड फ्राइडे है। आज ज़रा इनका स्पेशल डे है, तो आज इनके रूल्स भी स्पेशल हैं। आज के दिन के डिमेरिट पॉइंट डबल हो जाएंगे अगर कोई वॉल्यूशन करते हैं ट्रैफिक रूल्स की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं और आपको दिखाते हैं फिर कि कैसे सीन है। आ जाएँ फिर आप। और आज ये 10th को मैं ये शूट कर रहा हूँ व्लॉग, और एडिटिंग के बाद मुझे नहीं पता मैं कब अपलोड करूँ, बिकॉज़ अभी मेरी असाइनमेंट एक पड़ी है। बट मैं ट्राई करूँगा इसको एज सून एज पॉसिबल मैं अपलोड करूँ। और मौसम आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है अभी, ना सर्दी है ना गर्मी है। जी तो अभी एमसी डोनाल्ड से हमने कॉफ़ी पकड़ ली है, और एमसी डोनाल्ड की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। काम देख सकते हैं आपके डस्ट मार्क्स है, मास्क ये पहना हुआ है और काम चल रहा है। वो इतना आसान नहीं होता वैसे करना। जी काम ख़त्म हो गया, हम लोग जंग पे जा रहे हैं मुहाज पे। उससे पहले तैयारी करनी चाहिए। ये हमारा मुहाज है जी, उल्टा कैसे है कोई, ये मुहाज है हमारा। और इसकी तैयारी के लिए हमारा जो वेपन है वो ये है। आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये सबकी पॉकेट में होती है आजकल। काम से आ गए और आके नहाए हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, और अब दोबारा भूख लगी हुई है। केक बनाएंगे और शेक बनाने के बाद शेक पी के फिर शेयर करेंगे आपके साथ के पेंटिंग के जॉब का क्या हिसाब किताब है। ग्लास ऑफ मिल्क ये वन हो गया, ये 0.5। प्लीज दही, यहाँ पे दही ना आपको ऐसे नहीं मिलती पाकिस्तान में, क्या गुजर की दुकान पे जाओ और से दही ले लो, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है। आपको चलोरा कह रहा हूँ वूलवर जाना पड़ता है, कोल्स जाना पड़ता है, या एलडी जाना पड़ता है शायद। और ये है हमारे पास, ये आधा कप है, इसमें हम लोग दही डालेंगे। ये गुजरे वाली दही नहीं है, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, ये डब्बे वाली दही है।
इसका वो मज़ा नहीं आता वैसे, ज़्यादा हो गई है थोड़ी। चले ये है हमारे पास, ये मुझे भी नहीं पता क्या, पर ये इसमें डालते हैं बस इतना पता है। चले आ जाए, खलास। और ना इसमें हम लोग कोई शुगर नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पहले का शुगर शुगर हो गया शायद। इसको बंद करेंगे और इसको यार ये बनाया तो हमने बनाना शेक था पर मेरा ख्याल है कि चॉकलेट बन गया। बनाना का ऐसा तो नहीं होता वहाँ पे, बिकॉज मैंने उसमें पता नहीं वो डाला कुछ, वो मुझे भी नहीं पता क्या है, बस वो देखा था एक बार तो डाल दिया बस। चले देखते हैं जी। तो आप देख सकते हैं मेरे कप में मौसम कैसा, बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं, हर दिन बारिश होती है, हर दिन धूप आती है, काफ़ी अच्छा मौसम है। और अभी हम लोग आए हैं काम से वापस, अब बताते हैं आपको कि वहाँ पे क्या सीन है। वहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि आपको कोई भी जॉब चाहिए ना तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आपका। यहाँ पे पेंटिंग के लिए भी आपको कोर्स करना पड़ता है जो कि 3 साल तक का भी होता है, वेरी करते हैं यहाँ पे कोर्सेज हर एक चीज़ के, और वो करने के बाद आपको लाइसेंस और मिल जाता है इसका काम का, तो फिर आप जॉब कर सकते हो पेंटिंग की। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट के अपने रूल हैं। मैं होता हूँ सिडनी में, सिडनी आते हैं न्यू साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स के रूल दूसरे हैं और विक्टोरिया के, क्वींसलैंड के, बाकी स्टेट्स के अपने अपने रूल हैं। पे रेट भी चेंज होता है हर स्टेट का आपस के साथ। तो पेंटिंग की जॉब में वैसे यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में तो पर आवर 30 से 40 के दरमियान मिलता है और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। वैसे प्रोफेशनल पेंटर्स हैं जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो आवरली चार्ज नहीं करते, वो बस आते हैं और कहते हैं कि हम आपसे इतने चार्ज करेंगे बस, वो जिसने करवाना होता है समझ आती है तो वो कहता है ठीक है, कुछ आवरली सिस्टम नहीं होता और कोई बार्गेनिंग भी नहीं होती इस चीज़ में। तो की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नई वीडियो में, नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।